मोहम्मद हसामुद्दीन के मुक्कों ने दिलाई अंतिम 16 में जगह। नई दिल्ली एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हसामुद्दीन शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हसामुद्दीन ने चीन के ल्यू पिंग को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से पराजित किया। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मोहम्मद हसामुद्दीन मुक्केबाज खिलाड़ी को अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हसामुद्दीन शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हसामुद्दीन ने चीन के ल्यू पिंग को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से पराजित किया। रविवार को रूस के सविन से टक्कर भारतीय मुक्केबाज ने पहला राउंड एक तरफा अंदाज में जीतने के बाद अगले राउंड में बढ़त बनाई और ल्यू को चकमा देते हुए उन पर मुक्कों का जबरदस्त प्रहार किया। चीनी मुक्केबाज के पास हसामुद्दीन के मुक्कों का कोई जवाब नहीं था। हेलो फ्रेंड, अगर आप भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी को पसंद करते हैं वीडियो को लाइक करें। अब अगले दौर में रविवार को हसामुद्दीन की टक्कर रूस के सविन से होगी। आशीष हारे। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता आशीष कुमार अंतिम 16 में दो बार के ओलंपिक चैंपियन क्यूबा के अरलेन लोपेज के हाथों 2-5 से हारकर बाहर हो गए। आशीष पहले राउंड में आक्रामक हो गए, लेकिन अरलेन ने अच्छी तरह से अपना बचाव किया और आशीष पर कुछ भारी जवाबी हमले करते हुए पहला राउंड जीत लिया। भारतीय मुक्केबाज ने दूसरे राउंड में जोरदार वापसी की। अंतिम राउंड में क्यूबा के मुक्केबाज ने बाउट रिव्यू के बाद मुकाबला जीत लिया। आज आकाश और निशांत उतरेंगे रिंग में। शनिवार को आकाश और निशांत देव रिंग में उतरेंगे। आकाश की अंतिम 16 में टक्कर चीन के फू मिंगके से और निशांत की कोरिया के ली संगमिन से होगी। तो हेलो फ्रेंड, जानकारी आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करें एंड लाइक।